वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, उदाहरण नंबर या उदाहरण संख्या 5 हो चुकी थी, उदाहरण संख्या 6, ठीक है। तो कक्षा 9 का उदाहरण संख्या 6 देखिएगा, थोड़ा ध्यान से। कह रहा है कि सानिया, एक सानिया है, ठीक है, सानिया के पास एक खेत है। कह रहा है कि जो एक सम चतुर्भुज के आकार का है, मतलब सम चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं। तो सम चतुर्भुज के आकार का है, वह अपनी एक पुत्री यानी जो सानिया है उसके पास एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती है, यानी उन दोनों से वह यह आशा करती है कि वे खेत पर काम करके अलग अलग उत्पादन करें। यानी कहने का मतलब क्या कि वो चाहती है कि दोनों खेत पर अलग अलग काम करें और अलग अलग उत्पादन करें, ठीक है। उसने इस खेत को दो बराबर भागों में बांट दिया, उसने एक काम किया, इस खेत को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये लो भैया मैंने बांट दिया, विकर्ण डालकर बांट दिया दो बराबर भागों में, ठीक है, विभाजित कर दिया। कह रहा है कि यदि इस खेत का परिमाप, परिमाप का मतलब पूरा, यानी यहां से लेकर यानी इसके चारों भुजाओं का योग, इसके चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है बेटा, परिमाप कहलाता है। तो इसका परिमाप कितना है बेटा, तो इसका परिमाप है 400। तो यहां पर लिखेंगे खेत, लिखेंगे बेटा खेत का परिमाप बराबर, तो खेत का परिमाप कितना है बेटा 400 मीटर है, कितना है भाई 400 मीटर है। और कह रहा है विकर्ण 160 मीटर है, तो विकर्ण कितना है भाई 160 मीटर है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको मानते हैं ए बी, इसको इधर सी मानते हैं और इधर डी, समझ में है ना, ए बी सी डी मानते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है खेत का परिमाप 400 है, तो सबसे पहले परिमाप। अब परिमाप का मतलब होता है कि सम चतुर्भुज के परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, तो मतलब चारों भुजाओं का योग मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितना बेटा 400। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a बराबर कितना बेटा 400। तो इधर ये गुणे गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, तो a बराबर कितना आ जाएगा 400 बटे का कितना 4 कट कर देंगे, तो यहाँ पर a बराबर 4 करना 4, तो a का मान कितना आ जाएगा बेटा 100 मीटर, यानी a का मान कितना 100। अगर ये 100 है तभी भुजाएं बराबर है, तो सब कितने कितने की हो जाएंगे बेटा 100 100 की। अब एक काम करना है, आधा खेत उसने पुत्र को दिया, किसको दिया पुत्र को, और आधा खेत उसने किसको दिया पुत्री को। तो अगर इनमें से एक का क्षेत्रफल निकाल ले तो वही तो उसका होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है बराबर। अब देखो ये त्रिभुज बन गया, कौन सा ए सी डी, चाहे कौन सा निकाल लो ए बी डी, तो एक निकाल लेते हैं और जितना ये होगा उतना ही पुत्री का भी होगा। तो यहां पर त्रिभुज लेते हैं सीधा, त्रिभुज ए बटा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्या बेटा क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो ए सी डी का क्षेत्रफल मतलब फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, समझ में आया ना, ठीक है, मेरी बात समझ में आई ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जरूरत किसकी है बेटा, तो एस निकालेंगे। तो अब एस, तो S बराबर फार्मूला क्या होता है A प्लस बी प्लस सी, तो और बटे का कितना 2। अब हमें पता है कि हमने त्रिभुज ये वाला लिया यानी 100 100 और 160, तो कितना आ जाएगा बेटा 100 प्लस 100 और प्लस 160 बटे का कितना बेटा 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा S बराबर, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 360 बटे कितना 2, 2 से कट करेंगे 2 एक 2 2 8 16, ठीक है 180 कितना आ गया बेटा 180। अब इसमें रख देते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या कर देते हैं भाई, अब इसमें रख देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट एस 180 180 माइनस ए, ए का मान कितना बेटा माइनस का 100, बी का मान कितना, तो 180 माइनस का 100, ठीक है, और 180 माइनस का कितना बेटा 160, समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हल करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो 180 माइनस का 80, ठीक है 180 ये भी आ जाएगा 80, ठीक है 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20, कितना आ जाएगा भाई 20, समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अंडर रूट 180 को क्या लिख सकते हैं भाई, 180 को लिख सकते हैं 18, ठीक है, गुणे 10, 180 को क्या लिख सकते हैं 18 गुणे 10, 80 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 8, ठीक है, ये वाले को भी 8 गुणे 10 या 10 गुणे 8, ठीक है, और 20 को क्या लिख सकते हैं गुणे का 2, गुणे का क्या लिख सकते हैं बेटा 10, समझ में आया ना, ठीक है। अब गौर से समझिएगा, एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 8 बाहर आ जाएगा और एक ये वाला 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है, बात समझिएगा, ठीक। तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 8, अंदर बचेगा क्या, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 18 और गुणे का क्या बचेगा बेटा, तो गुणे का 2 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10, 10 दहम 100 और 8 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 800, अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9, ठीक है, 2 गुणे 9 गुणे 2, तो जब 9 को बाहर करेंगे तो 3 और 2 2 के जोड़े मिल जाए, यानी 2 के जोड़े मिल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 800 गुणे 2 गुणे कितना 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 6, 800 गुणे 6 48, ठीक है, तो 4800 क्या आ जाएगा बेटा, 4800 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या कि जो पुत्र, जिस भाग पर पुत्र खेती करेगा वो कितना आएगा, 4800 करेगा और उतना ही किसका हो जाएगा, पुत्र तथा पुत्री दोनों का, अर्थात प्रत्येक का भाग कितना आ जाएगा, तो 4800 मीटर स्क्वायर, यही इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर।